मार गई महंगाई, आवाम को तब्दीली रास ना आई। आटा, चीनी, दाल, घी, गोश्त, सब्जियां और फल गरीब और मध्यवर्ग तबके की पहुंच से दूर। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त एक माह में 80 रुपए किलो महंगा। कराची में कुकिंग ऑयल की कीमतें मजीद बढ़ गई। फैसलाबाद में आटा 80 रुपए किलो हो गया। बढ़ती महंगाई ने ताजरों की भी चीखें निकलवा दी। महंगी गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसलात से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर। ताजरों का कहना है महंगाई के बायस खरीदार नहीं आ रहे, दुकानों के किराए पूरे करना भी मुश्किल हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, सोने के बाद चांदी का कारोबार करने वाले अफराद परेशान। पेशावर में बेशतर ताजरों और हुनरमंदों ने पेशे को खैर बात कह दिया। कहते हैं खरीदारों की कमी के बाद दुकानों का किराया अदा करना मुश्किल हो गया, घर का खर्चा कैसे चलाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कुछ अजला में सब्जियों के जाय निरखों पर बरहम। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए डेप्यूटी कमिश्नर को सब्जी मंडियों में नीलामी के अमल की खुद निगरानी करने का हुक्म। ओकाड़ा, सियालकोट, कसूर, चिनियोट, फैसलाबाद, खानेबाद में सब्जियों की गिरानी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। लेवल बदलने पर दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का फैसला किया। जो एडवाइस मिली इसमें कोई और ऑप्शन नहीं था। सीईओ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड डेविड वाइट की वजाहत। बेहतरीन मेजबानी करने पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया भी अदा किया। पांच मुल्की इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने न्यूजीलैंड को दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का कहा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, अमरीका और बरतानिया की एजेंसी शामिल। गैर मुल्की खबरसाई इदारे का दावा, रिपोर्ट में बताया। दुनिया क्रिकेट के बेताज बादशाह क्रिस गेल का आज पाकिस्तान आने का ऐलान। सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। ट्वीट में कहा मेरे साथ कौन कौन आ रहा है, पाकिस्तान जाऊंगा जहां प्यार मिलता है। ट्विटर पर क्रिस गेल का बयान टॉप ट्रेंड। सारफी ने वेस्ट इंडियन स्टार ऑलराउंडर को असल हीरो करार दे दिया। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क, 9 अमरीकी खवातीन बाइकर्स का दुनिया को पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का तवील सफर तय करके साबित कर दिया पाकिस्तानी कौम की मेहमान नवाजी की मद्दाह बन गए। मोदी सरकार की एक और साजिश पे निकाह। पंजशीर में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के झूठे भारतीय दावे को अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुस्तरद कर दिया। अफगान सूबे में लड़ाई खत्म होने का भी दावा। रिपोर्ट में कहा मकामी आबादी की मदद से तालिबान ने इलाके पर कब्जा किया। सिंध में तालीम से खिलवाड़, मैट्रिक इंटरमीडिएट के बाद अब ग्रेजुएशन के पेपर भी आउट। पन्नू आखिर में शाब्दुलतीफ यूनिवर्सिटी के जेर इंतजाम। बीए पॉलिटिकल साइंस का पर्चा वक्त से पहले आउट। व्हाट्सएप पर शेयर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इम्तिहानी सेंटर में तलबा सरेआम नकल करते रहे। सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट भत्ता वसूल करता है। 13 बरस में 1161 अरब रुपए खर्च किए। सीएनजी बसें अपने लोगों को बेचकर पैसा खा गए, हलीम आदिल शेख का इल्जाम। अपोजिशन लीडर कहते हैं कराची के शहरी को पिटारा जाला सर्विस मिल रही है। शहबाज शरीफ ने कराची के लिए उड़ान भर ली। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले पार्टी उम्मीदवारों से मुलाकात। नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल के वालिद के इंतकाल पर ताजियत भी करेंगे। वजीर आला पंजाब का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कानून शिकन अनासिर के खिलाफ बिले इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। उस्मान गुलजार कहते हैं कामकुनों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की मद में 300% तक इजाफा। मुआयना सिस्टम की डिजिटलाइजेशन कर। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के खतरनाक वार, मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। तादाद 27,206 हो गई। 24 घंटों में 2,580 नए केसेस रिपोर्ट। 4,964 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 4.68% रही। कोरोना की पाबंदियां खत्म होने के बाद वाटर पार्क कराची की रौनक के बहार। गर्मी के सताए शहरों की बड़ी तादाद पहुंच गई। किसी ने डुबकी लगाई तो कोई स्लाइडिंग से लुत्फानंदोज होता रहा। बच्चों ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क। महकमा मौसमियात की जनूब मशरक की सिंध और शिमाल मशरक की पंजाब में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। पाक तहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी का दौरा है अमरीका। नेवल चीफ के अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ नेवी से मुलाकात। अमरीकी बहरिया के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें। मैरीटाइम सिक्योरिटी में आलमी सतह पर तामुल बढ़ाने पर गुफ्तगु। कोहार के इलाके ढल बहजावी में पुलिस टीम पर हमला। नामालूम अफराद की फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर कांस्टेबल साजिद शहीद। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। अमान मुल्तान में सड़क के तौसीही मंसूबे के बाद दुकान से महरूम होने वाले नौजवान ने हिम्मत न हारी। फुटपाथ पर वर्कशॉप बनाकर मोटरसाइकिलों की मरम्मत का काम शुरू कर।
हिजाब करना इस्लामी और शरई हुक्म, तरक्की की राह में कोई रुकावट नहीं। फैसलाबाद की खवातीन कहती हैं हिजाब और अबाया पहनकर उन्हें तहफ्फुज का एहसास होता है, बापर्दा होकर खुद को हर मैदान में मनवाना चाहती हैं। जुबानों से मोहब्बत की अनोखी मिसाल, नायाब नस्ल के मोर, मरकाबियां, कबूतर, बत्तखें और फैंसी मुर्गियां। इस्लामाबाद के 18 साल कुमैल ने घर के लॉन को चिड़ियाघर बना डाला, मुस्तकबिल में हिरन और शुतुरमुर्ग रखने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया।